अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज मैं बहुत ही डिफरेंट स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों में बन जाने वाली रेसिपी है ये। बच्चे यकीनन इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जितने स्लाइसेस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हाफ कप मैंने डार्क चॉकलेट ली है, हाफ कप फुल क्रीम दूध लिया है, हाफ कप चीनी ली है, और हाफ कप ही बिस्किट का चूरा लिया है। कोई से भी बिस्किट का चूरा आप ले सकते हैं। एक टेबल स्पून मक्खन लिया है। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस को हार्ट शेप में काट रही हूँ कटर से। अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जिस शेप में काटना चाहते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी बोतल के, किसी जार के कैप से भी कट कर सकते हैं स्लाइसेस को, और डिफरेंट शेप लेके आ सकते हैं इनका। इस तरह से मैं तमाम स्लाइसेस को हार्ट शेप में काट लूँगी। देखें, मैंने तमाम स्लाइसेस काट लिए हैं। अब हम चॉकलेट का सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में हाफ कप फुल क्रीम दूध डाल दिया है, हाफ कप ही चीनी डाली है, हाफ कप चॉकलेट, और एक टेबल स्पून मक्खन ऐड कर दिया है इसमें। अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल इसको लिक्विड बना लेना है इसका, चॉकलेट का। देखें, चॉकलेट सिरप अच्छे तरीके से बन चुका है, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है चॉकलेट। इस तरह से ये हमारा चॉकलेट का सिरप तैयार है। अब मैंने जो ब्रेड के स्लाइसेस काटे थे उनको मैं पैन में सेक लूँगी। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लो फ्लेम पर रख दिया है और इसको मैंने मक्खन से ग्रीस कर लिया है। अब मैं तमाम स्लाइसेस इसमें रख दूंगी और इनको सेक लूंगी। देखें, एक तरफ सिक चुके हैं, अब मैं इनको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लूंगी। इस तरह से तमाम स्लाइसेस हम सेक लेंगे। तमाम स्लाइसेस हमारे सिक चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। अब ये हमने हमारा जो चॉकलेट सिरप हमने तैयार किया था, इसके अंदर मैंने जो ब्रेड के स्लाइसेस सेके हैं वो मैं इसके अंदर डिप करूँगी चॉकलेट सिरप में। बिल्कुल दोनों तरफ से इनको कोट कर देना है चॉकलेट से। तमाम स्लाइसेस को इसी तरह से हम चॉकलेट में डिप करके बिल्कुल कोट कर देंगे इसके ऊपर चॉकलेट को। अच्छे तरीके से चॉकलेट इसमें कोट हो चुकी है। देखिए, तमाम स्लाइसेस चॉकलेट से कोट कर दिए मैंने। अब इसके ऊपर मैंने जो बिस्किट का चूरा किया था वो इसके ऊपर डाल दूंगी। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप बिस्किट का चूरा नहीं डालना चाहते तो आप क्रीम से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा डाल सकते हैं। बच्चे यकीनन इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।